नमस्कार। चलिए आज हम एक्सरसाइज 2.2 को आगे बढ़ाते हैं, उसके हम थर्ड सम पर चलते हैं। बहुत ही आसान जो है बहुपद जो पाठ है उसका जो थर्ड सम है, जांच करके बताइए कि निबंध में से प्रत्येक बहुपद के सामने दिया गया चर का मान उसका शून्य है या नहीं। हमारे पास ये एक बहुपद दिया हुआ है और ये एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स का मान हमें ये चेक करना है, हमें ये जांच करनी है कि ये इसका शून्य है या नहीं। तो शून्य के बारे में मैं दोबारा से फिर आपको बताता हूँ, पिछले लेक्चर में भी बताया था, शून्य वह होता है, वह उस चर का मान होता है जो उस बहुपद को शून्य कर दे, मतलब वो मान भरने के बाद वो बहुपद शून्य हो जाए। तो चेक करते हैं क्या यह एक्स का मान बहुपद में भरने पर आंसर जो जीरो आता है, अगर यस यह शून्य है वरना नहीं है। चलिए देखते हैं, तो पी एक्स की जगह पर हम कितना लिख दें, -1/3 पी गुना -1/3, एक्स को हटा दिया, -1/3 लगा दिया। देखिए 3 से 3 कटेगा, -1 +1 कितना आ गया 0। इसका मतलब पी में जब एक्स का मान 1/3 भरा तो 0 आ गया। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू -1/3 बहुपद का शून्य है। ऐसे सभी ऐसे चेक करते जाएंगे। दूसरा, एक्स का मान कितना भर दें, 4/5 5 × 4/5 -π, तो 5 से 5 कट गया, 4 - π, इसका मतलब क्या है, ये 0 के बराबर नहीं आया। तो जो 4/5 था वो 0 के बराबर पॉलिनोमियल बहुपद नहीं आया। इसका मतलब एक्स बराबर 4/5 बहुपद का शून्य नहीं है, दूसरा नहीं है। अगले पर चलते हैं, यह 2 है, पहले तो x को 1 लेना है, x बराबर 1, 1 - 1 कितना आ गया 0, इसका मतलब x बराबर -1 बहुपद का शून्य है। इसी तरह -1 भरेंगे तब देखते हैं, क्योंकि 2 यहां थे, 1 2, -1 का स्क्वेयर -1 इसमें भर दिया एक्स की जगह, 1 - 1 - 1 का स्क्वेयर कितना होता है, -1 × -1 = 1 होता है, तो 0। इसका मतलब यह है भी शून्य है, एक्स बराबर -1, इधर 1 था, यहां -1 बहुपद का शून्य है। तो ये इसका शून्य, दोनों ही इसके शून्य देखते हैं। इसका फोर्थ में भी 2 वैल्यूज हैं, 1 - 1 है और 1 2 है। पहले हम क्या पुट करेंगे, -1, तो -1 + 1 यहाँ x की जगह रिप्लेस कर दें, -1 - 2 यहाँ x की जगह -1 आ गया, यहाँ भी -1, तो p -1 ये 0 हो गया, 0 × -3 बराबर में 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब x बराबर -1 बहुपद का शून्य है। अब चेक करते हैं 2, तो 2 चेक करेंगे, 2 + 1 x की जगह 2, फिर 2 - 2 x की जगह 2 2 - 2 तो कितना आ गया 3 2 - 2 0, फिर आंसर कितना आ गया 0। जब 0 आ रहा है तो इसका मतलब x बराबर 2 भी बहुपद का शून्य है, तो ये दोनों ही इसके शून्य हैं। अब देखते हैं अगला सम, फिफ्थ पार्ट, यहां 0 भरना है, तो 0 का स्क्वायर = 0, इसका मतलब x बराबर 0 बहुपद का शून्य
है, ये भी शून्य है। आगे चलते हैं सिक्स्थ पार्ट में, ये हमारे पास एल एक्स प्लस एम एन बहुपद है और ये इसका शून्य है, चेक करना है। एक्स की जगह पर कितना लिख दें, माइनस एम बटा एल, एल गुणा माइनस एम बटा एल प्लस एल से एल कट गया, माइनस एम प्लस एम कितना आ गया, जीरो। तो इसका मतलब एक्स बराबर माइनस एम बटा एल बहुपद का शून्य है। हाँ और ना बताना था, है। इसके अंदर दो है, दोनों चेक करेंगे बारी बारी। पहले चेक करते हैं माइनस एक बटा वर्गमूल तीन, तो तीन गुना एक बटा वर्गमूल तीन का वर्ग माइनस में एक, तो तीन गुना, अब देखिए एक का स्क्वायर एक, वर्गमूल तीन गुना वर्गमूल तीन कितना होता है, तो उसको आप वर्गमूल नाइन भी बोल सकते हो, नाइन का वर्गमूल तीन हो सक होता है। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तीन आता है, तो तीन से तीन कट गया, वन माइनस वन बराबर में जीरो। इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो आ गई, तो एक्स बराबर माइनस एक बटा वर्गमूल तीन बहुपद का शून्य है। आगे चलते हैं, टू दो बटा वर्गमूल तीन चेक करेंगे इसी में, तो पी दो बटा वर्गमूल तीन, तो यहां हम देखें तीन है, दो बटा वर्गमूल तीन का स्क्वायर माइनस एक, तो तीन गुना दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग वर्गमूल तीन का वर्ग तीन, जैसे आपको बताया तीन होता है, माइनस एक, तीन से तीन कट गया, चार माइनस एक, इसका मतलब दो बटा वर्गमूल तीन एक्स बराबर दो बटा वर्गमूल तीन बहुपद का शून्य नहीं है। तो ये वाला शून्य है, ये वाला नहीं है। तो अंतिम सवाल हम देखते हैं, ये हमारे पास बहुपद दो एक्स जमा एक और ये शून्य है, चेक करते हैं, एक बटे दो, दो गुना एक बटे दो जोड़ एक, दो से दो कट गया, एक जोड़ एक कितना आ गया, दो। इसका मतलब जो एक बटा दो है वो जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह शून्य नहीं है। एक्स बराबर एक बटा दो बहुपद का शून्य नहीं है। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं उसमें बहुपद में उसका मान भर करके, अगर जीरो आ जाए तो शून्य है, अगर नहीं आए तो वह शून्य नहीं है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का अंतिम सम, फोर्थ सम, चौथा सम। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अभी जो पिछला सम हमने किया था उसके अंदर क्या था, शून्य हमें दिए गए थे, हमें जांच करना था कि शून्य है या नहीं। शून्य फिर बता दूं आपको, वो होता है जो बहुपद को शून्य कर दे, तो उसका मान हमने ढूंढना है, बहुत आसान है। तो पी एक्स को हमने जीरो कर देना है, मतलब बहुपद को जीरो कर देना है, तो बहुपद क्या है, एक्स प्लस पांच बराबर जीरो, एक्स का मान कितना आ गया, माइनस पांच, एक्स बराबर माइनस पांच पी एक्स का शून्य। तो ये हमने शून्य निकाल दिया, एक्स बराबर पांच। इसी तरह अगली क्या निकालेंगे, पी एक्स को क्या कर दें, जीरो। पी एक्स में क्या है, एक्स माइनस पांच बराबर जीरो, एक्स की वैल्यू पांच, तो शून्य क्या आ गया, बहुपद का शून्य कितना आ गया, पांच। तो ये आपका उत्तर। ऐसे ही सब करेंगे, तो यहां पर भी हम बहुपद का शून्य निकालना है, तो इसको क्या करते हैं, जीरो। तो दो एक्स माइनस प्लस पांच बराबर में जीरो, तो दो एक्स की वैल्यू पांच को इस साइड दे दें, माइनस का हो गया, एक्स की वैल्यू माइनस पांच बटे दो, तो शून्य क्या आ गया, माइनस पांच बटे दो उत्तर। ऐसे ही इसका शून्य निकालना है, तो बहुपद को जीरो कर देंगे, तो थ्री एक्स माइनस टू बराबर में जीरो,
बराबर में दो, दो को हम इस साइड लेंगे, प्लस का हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, तो शून्य क्या आ गया। एक बात मैं आपके बता दूं, बहुपद की जितनी घात होती है उतने शून्य घाते हैं, सबकी घात एक है, एक है, एक है, एक है, तो शून्य भी कितना आ रहा है, एक। ऐसे ही अगले सम में 3x को कितना कर दें, 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो शून्य क्या आ गया, शून्य ही आ गया उत्तर। इसी तरह इसका निकालेंगे, बराबर में 0, ax बराबर में 0, x बराबर में 0/a, वो भी कितना आ गया, 0, तो इसका भी शून्य कितना आ गया, शून्य ही आ गया उत्तर। अंतिम पाठ, यहाँ c और d वास्तविक संख्याएं हैं, अचर हैं, तो px को हम 0 कर दें शून्य निकालने के लिए, Cx+d बराबर में 0, तो यहाँ d को उस साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, -d/c, तो शून्य कितना आ गया, -d/c उत्तर। इस प्रकार ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हुई। उम्मीद करता हूँ आप 2.2 आपको अच्छी तरह से समझ आ गई।